महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों में पास हो जाने के बाद भाजपा में जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती ने महिला आरक्षण बिल को पारित होने का स्वागत किया है। इसके साथ ही उन्होंने बहुसंख्यक ओबीसी समाज और एसटी समाज को आरक्षण में न शामिल किए जाने को सामाजिक न्याय की मान्यता से नकारना जैसा बताया है और इसको लेकर भाजपा पर निशाना साधा है। दरअसल बहुजन समाजवादी पार्टी की अध्यक्ष मायावती ने अपने एक्स सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा कि महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाने का स्वागत, किंतु देश इसका भरपूर व जोरदार स्वागत करता अगर उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक यह अविलंब लागू हो जाता। अब तक लगभग 27 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद अनिश्चितता का अब आगे और लंबा इंतजार करना कितना न्याय संगत है। इसके साथ ही मायावती ने महिला आरक्षण बिल पर अपना कड़ा रुख भी पेश किया है। उन्होंने महिला आरक्षण बिल में बहुसंख्यक ओबीसी समाज की महिला को आरक्षण में शामिल नहीं करने पर इसे उन पर अन्याय बताया है। उन्होंने अपने अगले पोस्ट में लिखा कि वैसे देश की आबादी के बहुसंख्यक ओबीसी समाज की महिलाओं को आरक्षण में शामिल नहीं करना बहुजन समाज के उस बड़े वर्ग को न्याय से वंचित रखना है। इसी प्रकार एससी व एसटी समाज की महिलाओं को अलग से आरक्षण नहीं देना भी उतना ही अनुचित व सामाजिक न्याय की मान्यता को नकारना है। वही मायावती ने अपने आखिरी पोस्ट में लिखा कि किंतु जहां चाह है वहां राह है और इसलिए सरकार ओबीसी समाज को इस महिला आरक्षण बिल में शामिल करे, एससी व एसटी वर्ग की महिलाओं को अलग से आरक्षण दे और इस विधेयक को तत्काल प्रभाव से लागू करने के सभी जरूरी उपाय करे। धार्मिक अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं की भी उपेक्षा अनुचित है।